हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। तो आज सुबह जब मैं लंच बनाने के लिए किचन में गई, आई वॉज फीलिंग वेरी लेजी और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम किचन में नहीं बिताना था। एट द सेम टाइम माय फैमिली वांटेड समथिंग इन नॉन वेजिटेरियन, सो देन आई थॉट आई विल मेक माय फेमस बेक्ड एंड रोस्टेड चिकन फॉर देम। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। इट हार्डली टेक्स 10 टू 15 मिनट्स टू प्रेप दिस चिकन एंड देन योर ओटीजी विल डू द मैजिक एंड यू विल जस्ट सिट एंड रिलैक्स इन योर लिविंग रूम। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर दिस रेसिपी आल्सो विथ यू। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट कुकिंग। बट बिफोर दैट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शो सम लव एंड गिव दैट थंबनेल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विद द बेल बटन। ओके, लेट्स गेट कुकिंग। आज का बेक चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए सम सोया सॉस, सॉल्ट, नींबू का रस। आई हैव टेकन 4 नींबू यहाँ पे और उसको मैंने स्क्वीज कर लिया है। सम लेमन जेस्ट एंड ऑल द 4 नींबूज मैंने सबके जेस्ट निकाल दिया है। पेपर पाउडर, पुदीना पाउडर, इंस्टेड ऑफ पुदीना पाउडर आप पुदीना का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर, अगेन गार्लिक पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सम चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स अगेन इज एज पर योर टेस्ट। एंड देन अ कंकॉक्शन ऑफ ऑलिव ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल फॉर सम इंडियन केक। प्याज और धनिया भी मैरिनेट करूंगी और मैं बेक करने उसको अवन में डाल दूंगी। इट जस्ट गिव्स लाइक अ सब्जी फील। इसको आप या तो पराठे के साथ फिर खा सकते हैं या जस्ट एज स्टार्टर। वन थिंग विच आई मिस्ड इज ऑल्सो दिस मिक्स्ड हर्ब्स। ये बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाता है। इट हैज लाइक अ मिक्सचर ऑफ इटालियन हर्ब्स लाइक बेजिल, थाइम, रोजमेरी, ऑरिगैनो। अगर ये आपको बाई चांस नहीं मिलता है तो किसी भी ड्राइड हर्ब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव टेकन हियर 1.5 kgs ऑफ चिकन। यहाँ मैंने चिकन थाइज और चिकन ड्रमस्टिक्स का इस्तेमाल किया है बिकॉज ये दोनों ही पीसेस बहुत ही जूसी होते हैं। तो अब हम एक एक करके ये सारे इंग्रेडिएंट्स चिकन में डालेंगे एंड वी विल मैरिनेट इट फॉर ऑलमोस्ट 35 to 40 minutes। इफ़ यू हैव सम टाइम एट हैंड यू कैन ऑल्सो मैरिनेट द इवनिंग बिफोर, बट टुडे एज आई सेड इट्स अ वेरी इंस्टेंट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू एंड आई वॉन्टेड टू कैप्चर एंड शो इट टू यू गाइज। हेंस आई जस्ट हैव लाइक हाफ एन आवर टू लाइक 45 minutes एट माई हैंड। सो बिफोर आई गो अहेड आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अ लिटल बिट अबाउट दिस ऑयल कंकॉक्शन। इस पर मैंने 2 tablespoons ऑफ ऑलिव ऑयल लिया है एंड 1 tablespoon ऑफ मस्टर्ड ऑयल। यू कैन ईदर डू इट कम्प्लीटली इन ऑलिव ऑयल और कम्प्लीटली इन मस्टर्ड ऑयल। अब मैं इस मैरिनेट को मिक्स कर लूँगी एंड नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन डू द टेस्ट टेस्ट ऑफ योर मैरिनेशन। अगर इसमें किसी चीज़ की कमी है जैसे नमक, मिर्च एंड ऑल ऑफ दैट। सो माय मैरिनेशन वाज परफेक्ट एंड नाउ आई विल पोर दिस मैरिनेशन। सो आई हैव ऑल्सो पुट द फ्रेश अनियंस एंड द कोरिएंडर इन माई चिकन एंड अब मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करूँगी इसको मैरिनेट करने के लिए। ट्रस्ट मी गाइज, नथिंग इज बेटर देन योर हैंड्स। प्लीज डोंट बी ग्रोस्ड आउट, वॉश योर हैंड्स थरली बिफोर डूइंग दिस एक्टिविटी विच आई हैव डन एंड आई एम गोइंग टू मैरिनेट दिस। What I feel is इसमें थोड़ा सा सीजनिंग की कमी है when it comes to mixed herbs. So I will put some more mixed herbs into this mixture. Like this literally took 10 minutes to prep and then put it together. I'm going to rest it aside for 35 to 40 minutes at the max and then I will put it in the oven. So ab half an hour ho chuke hai is chicken ko marinate karke and I have plated it on my baking tray with a silicone mat. I will now put it in my OTG in the middle rack which is the baking rack. मैंने उसको preheat करने रख दिया है for 10 minutes at 230-240 degrees centigrade, somewhere in between. What I'll do is सबसे पहले मैं इस chicken को 30 minutes पकाऊंगी in the middle rack at 230 degrees centigrade. Then I will flip the chicken
एंड आई विल कुक फॉर अनदर 20 to 25 मिनट्स एंड देन लास्ट के 10 मिनट्स मैं अपने OTG का मोड चेंज करके रोस्ट मोड पे डाल दूंगी विच इज़ दी अपर अपर रॉड इफ यू वॉन्ट कॉल इट द अपर हीटिंग रॉड एंड आई विल शिफ्ट माई ट्रे फ्रॉम मिडिल रैक टू द टॉप रैक सो दैट आई गेट लाइक अ चार्ड थिंग और क्रिस्पी चिकन ऑन द टॉप. गाइस लेट्स सी हाउ माई चिकन हैज टर्न्ड आउट. वाओ जस्ट लुक एट दिस कलर. आई मीन लेट्स प्लेट इट एंड देन आई विल शो इट यू गाइस प्रॉपरली. So this is what it looks like after plating. Trust me guys, it is extremely juicy and if you take this tray in front of your guests as starter for the evening, they will lick it till the end. So do try this at home. If you have liked this video, don't forget to like, share and subscribe. It'll mean the world to me. Thank you guys. See you soon. Stay safe, stay home. See you guys in my next video.